इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना, फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। यह किताब, यह ग्रंथ किसने लिखा? बट्टा कलंक देव ने लिखा। जिनके पास इतनी प्रतिभा थी, एक बार सुन लिए और पूरी पूरी पंक्ति उनकी हो जाती थी। ऐसा ग्रंथ के ग्रंथ रचने की बात नहीं है, अपने आप काम होते। उसमें उन्होंने लिखा कि यह कैसा है कि इदम तो रसायनम, ये मृत्यु इसके सामने आ नहीं सकती है, आएगी तो भग जाएगी और निष्क्रिय हो जाएगी। ऐसे दिगंबर मुनि महाराज कभी भी कह नहीं सकते, और इसलिए कोई माने या न माने, जब ये पंक्ति आ गए तो हमें मानना पड़ा कि यह षटकंड आगम में जो पूर्वों का काम आता है तो उसमें से उसका भी यह प्रकरण दिया गया है। ऐसे यह आयुर्वेद द्वादशांग का एक अकाट, एक भाग है, प्रकरण है, अध्याय है, और दान के क्षेत्र में गृहस्थों के लिए चार प्रकार का धर्म बताया। दानम पूजा शील मुआसो चबुव्यो सावया नाम धर्म, चार प्रकार का यह धर्म है, श्रावकों के लिए बताया गया है। और उसमें उन्होंने लिखा है अकाल मरण को दूर करने का कोई उपाय है तो आयुर्वेद है, ऐसा पहले से लिखा हुआ। आज का यह, आज की पद्धति जो आप लोग इसको चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही उत्तम मानते हैं, लेकिन उसमें इस प्रकार की पंक्ति नहीं लिखी। 200 वर्ष भी नहीं हुए हैं, किंतु इसके लिए 2000, 3000, 4000 वर्ष पूर्व में लिखा है। और ये प्रत्येक पंक्ति शोध के माध्यम से लिख करके और तैयार करके लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पूर्णायु भी अनुसंधान केंद्र के साथ चिकित्सालय को लेकर के आपके सामने आ रहा है। उसके लिए आप लोगों ने योगदान देने का यह कार्यक्रम अपनाया है। क्योंकि रविवार के दिन संख्या ज़्यादा आती है, इसलिए हम पूर्णायु को सक्षम बनाएंगे, लेकिन थोड़े व्यक्ति भी तो चाहिए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, बुलवाओ, हमारा तो त्याग है, लेकिन आप तो बुलवा सकते और काम कर सकते हो बहुत श्रद्धा के साथ। अभी भी वह संख्या आकर के रुकी हुई है, और बोलते रहेंगे भैया ये तो दिवाली तक चलेगी, हूँ 3-4 साल से देख रहे हैं कि दिवाली के दिन आ जाते हैं और वो कलश लेते हैं और अपने राशि को रख करके चले जाते हैं। तो आज प्रारंभ आप लोगों ने कर दिया, और इसको मुख्यतः देखते हुए आपने इस कार्य को लिया है। देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए आप लोगों को इसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। गिरता हुआ पानी भी बर्फ के रूप में परिवर्तित जैसा हो सकता है, उसी प्रकार वह विष भी एक प्रकार से अमृत तुल्य परिणत हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संदेह करता मैं, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसको आप सामान्य बात मान करके मत निकालिए, यह सामान्य नहीं किंतु विशेष बात है। ऐसे एक एकाध पृष्ठ में उन्होंने लिखा है, और अकाल मरण के निषेध के अर्थ में लिखा है। कई लोग मरण तो होना निश्चित है,
अकलंग देव कहते हैं ये निश्चित मरण होना निश्चित है, लेकिन अकाल मरण निश्चित नहीं, क्योंकि हम उसके निषेकों को चिकित्सा के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं और वह रसायन तुल्य है। ऐसा कह करके हम लोगों को प्रेरणा दी है कि इस शुद्ध औषधि का निर्माण सहित ये चिकित्सालय आपको आगे के लिए चलाना है, और जितनी भी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का संरक्षण करके और उनको प्रेरित करके आगे चाहे छात्रा हो चाहे छात्र हो, महाविद्यालयीन यह पाठ्यक्रम आपके द्वारा चालू किया जा सकता है, बल्कि चालू हो गया है, और उसमें आप अपना तन मन धन न्यौछावर करके आगे बढ़ सकते हैं और प्रेरणा दे सकते हैं। समय आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसमें हमारी गलती नहीं है, गलती आपकी है, हम भी बैठे रहे, गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। नहीं देखो, हमारे चौके में किसी को बुलाते ही नहीं हम, यदि आते हैं तो बिल्कुल निरंतराय आहार कराने का हमारा संकल्प। हमारे चौके में कोई बोल नहीं सकता, कपते कपते बिल्कुल पक्का, छोटा से छोटा भी खूब अच्छे ढंग से कर सकते, क्योंकि निरंतराय आहार बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार समय पर इस प्रकार के शुद्ध औषधियों का प्रयोग, तो हाँ जेनेटर भी आ जाते हैं तो इसको बहुत अवभाग्य मान करके उसका सेवन करते हैं, और उससे लाभ मिलने से वो अवभाग्य कह करके और दवाई ले करके चले जाते हैं, बांटते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे शुद्ध यह शास्त्रोक्त पद्धति से निर्माण किया हुआ औषध आपके शरीर को भी मन को भी वचन को भी संशोधित कर सकते हैं। इन तीनों के संशोधन के बाद आपकी आत्मा की मूर भी आपकी गति हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका तन मन धन सब कुछ शुद्ध हो, और अंत में आत्म तत्व का भी परिमार्जन आप लोगों के द्वारा हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः दिव्यः, ओम नमः दिव्यः, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। छोटी सी बात हमने, किंतु उसकी गहराई के बारे में सोचें, ज्ञात होता है। हम लोग सोचते कम हैं और इधर उधर की बातें उसमें बहुत करते रहते हैं। अध्ययन उसी को बोलते हैं, अधि निकट रूपेण अयनम इति अध्ययनम। आपने पढ़ा ये अलग वस्तु है, आपने सुना ये अलग वस्तु है, आपने जो का त्यों जे पढ़ा था उसको पढ़ाया ये अलग बात है, किंतु आपने जिसको पढ़ा उसको अध्ययन के रूप में स्वीकार करना ये अलग वस्तु है। तो अध्ययन क्या वस्तु है? अध्ययन गहराई में उतर करके तलस्पर्शी
ज्ञान जिसको बोलते हैं। तलस्पर्शी का अर्थ अंतस्थल में भीतर जा कर के उसको छूना होता है। आज अध्ययन के क्षेत्र में भले अध्ययन कह दे किंतु उस तलस्पर्शी ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है और बहुत कम संख्या में ये उपलब्धि होती है। सारहीन वह अध्ययन के अभाव में वह पढ़ना लिखना पढ़ाना आदि आदि माना जा सकता है। और अध्ययन का पुट यदि लग जाता है तो वह उसकी गहराई तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चाय के पत्ती के बारे में आपको परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग सब प्राय करके परिचित हैं। चाय के पत्ते कब तक रहते हैं और चाय कब बनता है इसको हम सोच लें देख लें। पत्तों को जब उबाला जाता है तब वह एक प्रकार से चाय बनती। छान करके जब हम उसको अलैदा कर देते हैं तो उसके बारे में अभी कुछ सोचना है। पत्ते ज्यों का त्यों हैं, उसका रस उसका अनुभाग एक तरफ आ गया है, उसमें और क्या डालना ये महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु महत्वपूर्ण वह है वह उसका जो पत्ता है वो पत्ता अब यूं ही फेंकने योग्य हो जाता है। फेंकने योग्य क्यों हो जाता है? क्योंकि जिसको चाय कहा जाता है वह तो अलग हो चुका है और यह जो रह गया है यह उसका एक प्रकार से फेंकने योग्य कहो यह पत्ता माना जाए। कर्म के विषय में आचार्यों ने यत्र तत्र जो विचरण किया है विवेचन किया है उसके साथ इसकी हम तुलना कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कर्म कर्म कहते तो है लेकिन वह कर्म क्या क्या काम करता है कब तक करता है इसको भी देखना चाहिए। बहुत व्यक्ति कर्म की योजना के साथ ऐसे गाफिल हो जाते हैं किंतु थोड़ा सा अध्ययन कर ले उन्हें बहुत अच्छा भी लगने लग जाएगा। उससे वह पत्ता दोबारा जब काम में नहीं आता है तब उसका रहस्य खुल जाता है। उस पत्ते को पुनः चाय बना करके दे कर सकते क्या? पहले एक किलो चाय बना लिया फिर वो रह गया तो उसको पुनः एक किलो में क्योंकि चाय के पत्ते तो है इन दोनों में जब तुलना करेंगे तो उसको आप चाय कह ही नहीं सकेंगे। उसी प्रकार आप हमेशा हमेशा उलझे रहते हो। कर्मों के उदय में उलझन तो होते हैं लेकिन हम नए सिरे से तो उलझते चले जाते हैं उसकी धारणा बना करके वह हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। इसके बारे में आप पढ़ने से कुछ नहीं होता और पढ़ाने से कुछ नहीं होता
किंतु उसको विश्वास के साथ अब यह हमारे काम में नहीं आएगा, यह बिल्कुल फालतू है। किंतु हम उलझे हुए रहते हैं, यह अध्ययन की बड़ी कमी मानी जाती है। बड़ी बड़ी किताब है कर्म सिद्धांत के, लेकिन उसमें आप घुस नहीं सकोगे। जिसका अनुभव किया जा रहा, जिस कर्म का अनुभव किया जा रहा, वो कब तक काम में आता है और कितना रस देता है, कितने प्रकार का रस देता है, यह अध्ययन ये जब कर लेते हैं तो छोटे भी छुटपन में भी वह पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, और वृद्ध होने के उपरांत भी उसके अध्ययन नहीं होने के कारण वह उसी के पीछे पुनः लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह विश्वास की कमी अथवा अध्ययन की कमी मानी जाती है। दवाई अलग वस्तु होती है, दवाई का निर्माण अलग वस्तु होती है। निर्माण होने के उपरांत भी उसमें असलियत कितनी आई है और उसमें ऊपर ऊपर ही कितना बना है, ये सारे के सारे अंश हमारे बुद्धि से परे रहने से हम उसके बारे में हमेशा हमेशा त्रस्त रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। ऐसे क्या बता, कौन से कर्म हमने कब किया, हमें तो लगता है हमने कुछ किया ही नहीं। ऐसा भी जब पीड़ित हो जाता है ना, आप तो हमारे ऊपर थोप रहे हो, ये सब आप लोगों का गलत है धारणा है हमारे बारे में, आपको आप ये अध्ययन नहीं है, हम आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी धारणा आप तक सीमित रखिए, लेकिन हमें उसके बीच में मत लाइए, हमारी धारणा तो यही है क्योंकि आपने इसका अध्ययन नहीं किया। इसलिए कभी भी आपने सोचा कर्म कर्म कहने के उपरांत भी वह कर्म कब तक काम करता है? बहुत अल्प समय के लिए काम करता है, रखा हुआ तो बहुत समय तक रह सकता है। चाय ला करके रख दिया पुड़िया में है, एक आध महीने तक रह सकता है, उसकी अवधि के अनुसार रह सकता है। ये सारे सारे काम में नहीं आएंगे, स्वाद लेने में नहीं आएंगे, किंतु जब उसको आप बनाते हैं तो उसका स्वाद आता है। स्वाद आता है तो स्वाद क्षणिक आता है, दूसरे ही स्थान में वो स्वाद समाप्त हो जाता है। और वह जो रखा है वह भी काम में नहीं आएगा। इसको विश्वसोपचय बोलते हैं कर्म सिद्धांत में। और उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जो पत्ता हो गया काम में आया, अरे उसको तो फेंकने योग्य है। अब जब कुत्ता उसको लेता है तो कुत्ता भी सूंघ करके उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसका सार निकल चुका है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना, फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स।